हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.1 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बच्चों, आज से एक हफ्ते पहले मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है योगेश चंद्र शर्मा, आप यहां पर देख सकते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और साथ में मैं सभी बच्चों को धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरी सभी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, है ना। कि अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट में हम कैसे देखेंगे कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ पर हम बात करें एंगल्स की, तो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। और यहाँ पर तीसरा आता है आपका ट्रायंगल, है ना, जो कि पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो ट्रायंगल्स पर बेस्ड है। तो आप कैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। स्टार्ट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा इस वर्ड का। यहाँ पर डेफिनेशन देखें, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। इसका क्या मतलब है, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उनका शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा, है ना। शेप का क्या मतलब होता है, शेप का मतलब होता है उसका लुक कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं कहूं ट्रायंगल कैसे बनता है तो आप इस तरीके से बनाकर दिखा सकते हैं, तो ये इसका शेप है। अगर मैं कहूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि इट कुड बी अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, है ना, तो ये इसका शेप है। अगर हम बात करें साइज की, तो ट्रायंगल और स्क्वायर का साइज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसकी डायमेंशन की बात की जा रही है, ठीक है, जो साइज है वो क्या है, बेसिकली लेंथ या फिर उसका ब्रेड्थ हो सकता है, है ना। तो आपको मालूम चल गया कि शेप क्या होता है और साइज क्या होता है। अब यहां पर हम समझते हैं कि लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। आप देख सकते हैं यहां पर दो लाइन सेगमेंट है, पहला है ए बी और दूसरा है सी डी। तो दोनों की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। और बात करते हैं साइज की, तो अगर मैं कहूं कि ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। मेरी बात आई समझ में, शेप दोनों की सेम है, और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि इनका जो साइज है यानी कि जो लेंथ है, ए बी बराबर सी डी है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में दोनों कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं हम कि क्या दोनों एंगल्स आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। ये आपके दो एंगल्स हैं बी ए सी और ई डी एफ। तो आप यहां पर देखकर कह सकते हो कि इन दोनों की जो शेप है वो तो सेम है, दोनों एंगल ही हैं। क्या इनका साइज, अब साइज के बारे में हम कह सकते हैं, एंगल के बारे में पूछा है, एग्जैक्टली जो यहां पर वैल्यू होगी, लेट से ये आपका 45 डिग्री का है और ये भी आपका 45 डिग्री का है, और यहां पर मैं आपसे कह दूं कि दोनों एंगल आपके बराबर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि यस बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, और यू कैन से टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर्स आर इक्वल, है ना। यानी कि दोनों का एंगल इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं जब आपके पास दो ट्रायंगल हैं तो वहां पर आप कौन कौन से रूल्स अप्लाई करोगे, सो दैट कि आप उनको प्रूव कर सको कि आपस में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर यहां पर हम बात करेंगे एस ए एस की, और यहां पर एक दूसरी थ्योरम है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, और यहां पर कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। पहला रूल है एस ए एस, जिसकी हम बात यहां पर करेंगे, ओके। इसके बाद है ट्रिपल एस, और उसके बाद है ए एस ए, फिर डबल ए एस, फिर उसके बाद आर एच एस, और उसके बाद एस एस ए। तो जहां पर भी एस है इसका मतलब होता है साइड, और ए का मतलब होता है एंगल। बात करें आर एच एस की, तो यहां पर आर होता है आपका राइट एंगल, और एच होता है हाइपोटेनियस, और एस होता है कोई भी साइड। तो चलिए अब समझते हैं एस ए एस क्या होता है जब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं।
तो आप यहां पर देख सकते हैं दो ट्रायंगल है, ओके, और इनका जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, शेप की मैं बात कर रहा हूं, है ना, दिखने में कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल हैं, ओके फाइन। इसके बाद हम बात करते हैं साइज की। साइज का क्या मतलब है? साइड एंगल और साइड, एस ए एस। आप यहां पर किस तरीके से इस रूल को अप्लाई करोगे? लेट से अगर मैं कहता हूं कि ये जो साइड है इस ट्रायंगल के बराबर है, ये आपका पहला वाला ट्रायंगल है और ये दूसरा वाला है ना, तो इसकी जो साइड है ये वाली इसके इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के। और अगर मैं कहूं कि ये जो साइड है इस पहले वाले ट्रायंगल की, ये दूसरे ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, ओके, तो आपने यहां पर दो साइड इक्वल कर दी, ठीक है। हम देखेंगे किस तरीके से आप इक्वल कर सकते हो, किस तरीके से आप एंगल्स को इक्वल कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका एंगल। अगर मैं कहूं कि आपका फर्स्ट वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो रूल है आपका, ये साइड हो चुकी है, ये आपका एंगल है और ये आपका साइड है, ओके, सो इट बिकम्स बेसिकली साइड एंगल साइड, है ना। जैसे आप यहां पर रीड कर सकते हैं साइड एंगल साइड। आपको ये जो पैटर्न है, ये जो लेटर्स हैं, चेंज नहीं करने, ओके, अपने आप से नहीं बनाना है, तो जो रूल मैंने यहां पर लिखा है उसी को आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है, चेंज नहीं करना, ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना कि आपने पहले एंगल कर दिया उसके बाद साइड कर दी, ऐसा नहीं होगा। जैसा आपकी बुक में लिखा है, आपको बताया गया है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही आपको यहां पर अप्लाई करना है ना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। यहां पर भी देखिए, ये आपकी साइड है, ओके, और ये भी आपकी साइड है और ये आपका एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल्स में हमने कौन सा रूल किया अप्लाई? साइड एंगल साइड। ये चीजें तब हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहां पर आपको कुछ गिवन होगा और कुछ ना कुछ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने साइड को इक्वल किया है, किस तरीके से आपने एंगल्स को इक्वल किया है। यहां पर छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें शेप की, तो जिस तरीके से मैंने आपको यहां पर शेप बना के दिखाई है ट्रायंगल्स की, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं है कि यही शेप होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे आपके ट्रायंगल्स ही, है ना, ऐसा हो सकता है इस तरीके से, ओके, सिंपल आपके दो ट्रायंगल हो सकते हैं, ओके, और हो सकता है इस तरीके से भी हो, ओके, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपली वहां पर देखना है क्या क्या गिवन है, किस तरीके से आप उनको इक्वल प्रूव कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब समझते हैं सेकंड थ्योरम को। ये आपकी थ्योरम नंबर वन थी, ओके, ये है आपकी थ्योरम नंबर टू, जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम अप्लाई करेंगे 12.1 के अंदर। ये है आपका एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए इसका क्या मतलब है, जब आपको किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी सिंगल ट्रायंगल के अंदर ये गिवन होगा कि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन सी, लेट से एबीसी आपका ये ट्रायंगल है और इसमें आपको गिवन है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, और उनके अपोजिट में जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसके अपोजिट में भाई दो एंगल ही तो होंगे, है ना, ऊपर तो जाएंगे नहीं, नीचे ही तो होंगे, तो ये जो दो एंगल्स हैं ये भी आपके बराबर होंगे। मेरी बात आई समझ में? एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। अब किसी भी ट्रायंगल में, लेट से मैंने आपको बोला यहां पर कि ये जो दो साइड हैं ये बराबर हैं, ठीक है, इस एंगल का नाम है पी, ये ट्रायंगल पूरा आपका बनता है लेट से पी क्यू आर, ठीक है, तो पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, तो एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, एंगल क्यू बराबर होगा एंगल आर के, तो आप क्या लिखोगे, एंगल क्यू बराबर है एंगल आर के, इस तरीके से आप कह सकते हो, है ना, लेकिन आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। इन फिगर 12.22, ये आपकी फिगर है 12.22, द साइड्स BA एंड CA हैव बीन प्रोड्यूस्ड सच दैट BA इज इक्वल टू AD एंड CA इज इक्वल टू AE, प्रूव दैट सेगमेंट DE
पैरेलल टू बीसी। यहाँ पर ये फिगर गिवन है आपको, ठीक है। सबसे पहले समझना है इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए दो साइड्स हैं बीए एंड सीए, ठीक है, इनको आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। बीए आपकी यहां तक होगी, ठीक है, ये वाली, इसको आगे बढ़ा दिया है यहां तक, ओके। इस तरीके से बढ़ाया है कि बीए जो है वो आपकी एडी के बराबर है। आप यहां पर लिख लोगे, यू हैव टू राइट इंट्रेंगल ए डी ई, ओके, ए डी ई, ये आपका ट्रेंगल है, एंड ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहां पर बी ए जो है वो ए डी के बराबर है, ओके, दिस इज योर बी ए और ये आपका ए डी है, तो ये दोनों आपस में बराबर है साइड्स। और सी ए जो है, सी ए किसके बराबर है, सी ए आपकी यहां तक होगी, ठीक है, ये आपकी ए ई के बराबर है, ओके। सो यू कैन राइट ए डी इज इक्वल टू ए बी और यू कैन राइट बी ए, ओके, ये आपको गिवन है। और ए ई जो है आपकी सी ए के बराबर है, ये भी आपको गिवन है। अब आपको यहां पर प्रूव करना है, प्रूव दैट सेगमेंट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये इसके पैरेलल है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने काफी सारी चीजें लाइंस एंड एंगल्स को लेकर पहले मैं वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब यहां पर आपको समझना है कि किस तरीके से आप इन दो लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूव करोगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एक रूल एस ए एस, ओके, तो ये रूल आपको यहां पर यूज करना है और आपको समझना है किस तरीके से इस रूल को यूज करके आप प्रूव करोगे कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया जो भी आपको गिवन था दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, दूसरा आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और ये दो बातें आपको गिवन थी। अब इसके बाद क्या करोगे, चलिए इनको इक्वल कर देते हैं। यहां पर ये जो आपका एंगल है इसके बराबर होगा, क्यों, जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं दे फॉर्म अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यू कैन राइट एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, यू कैन राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं वी डॉट ओ डॉट ए, ठीक है, आप पूरा लिख लेना एग्जाम में। सो यू कैन से सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल और यू कैन से एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, ओके, ये आपके दोनों एंगल आपस में हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। किस तरीके से किया, आपने कहा जैसे मैंने आपको समझाया था, ये आपका एंगल है, ठीक है, ये आपकी साइड है और ये भी आपकी साइड है। सो बेसिकली अब आप यहां पर देखें, ये आपका बन चुका है साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस, ओके। इन द सेम मैनर यहां पर देखें, ये जो दूसरा वाला आपका ट्रायंगल था, ये आपका एंगल है, ये आपकी साइड है और ये आपकी साइड है, दिस विल फॉर्म एस ए एस, ओके। तो आपने यहां पर इस रूल को अप्लाई किया और प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। नाउ यू कैन राइट देयरफॉर वी कैन से एंगल ई डी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, यू कैन राइट सी पी सी टी, मैं बताऊंगा आपको सी पी सी टी क्या होता है, एंड यू कैन से एंगल डी ई ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, वंस अगेन यू कैन राइट सी पी सी टी।
तो देखिए सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका सिंपल सा मतलब है जब आपने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है, जब आपने यहां पर प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है उसके बाद आप कह सकते हो कि जो बाकी एंगल है, साइड है, जो भी यहां पर रह गया उसको हम सीपीसीटी से प्रूव कर सकते हैं वो भी इक्वल होंगे, है ना। इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है एंगल ईडीए, ये वाला आपका एंगल, ठीक है। ईडीए किसके बराबर होगा, सीबीए के, ओके, ये इसके बराबर होगा। दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। और यू कैन से एंगल डीईए, आप यहां पर देख सकते हैं डीईए, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना। तो ये आपके सीपीसीटी से बराबर हो गए। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, ओके, तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ओके, ये इसके बराबर है। अगर ये आपकी एक सिंगल लाइन है इन दो पैरेलल लाइन के, तो ये आपके बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके ऑल्टरनेट में है और ये बराबर है। तो जैसे ही हमने यहां पर लिखा कि दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां पर आपने देखा कितना आसान था, सिंपली जो भी गिवन था, साइड्स गिवन है, ओके, ये साइड इसके बराबर थी, ओके, ये भी गिवन था आपको, ये साइड इसके बराबर थी, और एक एंगल आपने यहां पर देखकर बोल दिया कि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। आपका काम सिर्फ इस एंगल को बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी काम तो यहां पर साइड देके इस क्वेश्चन ने आपका आसान कर दिया। और आप बोल सकते हो बाय यूजिंग SAS कांग्रेस रूल और यू कैन से क्राइटेरिया, ठीक है, तो ये आपका बराबर हो गया। इसके बाद आपको सीपीसीटी से बताना है कि दोनों एंगल्स, ये वाला और ये इसके बराबर होगा, है ना। तो जैसे ही आपका ये एंगल बराबर होता है तो आप कह सकते हैं दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स ऑल्टरनेट बनते हैं यहां पर, है ना, और दोनों इक्वल हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल। और हां बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, तो आप लाइंस एंड एंगल्स वाली मेरी वीडियो जरूर देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फाइनली एंड में आप यहां पर लिख सकते हैं दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, इन एंगल्स की बात हो रही है जिनको आपने सीपीसीटी से इक्वल किया है। तो आप यहां पर लिख देंगे डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, इन ट्रायंगल पीक्यूआर इफ पीक्यू इज इक्वल टू क्यूआर एंड एल एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पीक्यू क्यूआर एंड आरबी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एल एन इज इक्वल टू एम एन। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं PQR आपका एक ट्रायंगल है जिसमें PQ का मिड पॉइंट है L, PR का मिड पॉइंट है N और QR का मिड पॉइंट है M, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि भाई LN जो है वो MN के बराबर है। LN ढूंढो आप यहां पर, LN आपकी ये वाली साइड है, MN कहां होगी, MN आपकी ये वाली है। तो इन दोनों साइड्स को आपस में बराबर आपको प्रूव करना है। तो चलिए जो सबसे पहले आपको गिवन है वो आप यहां पर लिख लीजिए, इन ट्रायंगल PQR आपको गिवन है साइड्स, है ना, ये बराबर है PQ इज इक्वल टू QR। तो जैसे ही आपको साइड्स इक्वल गिवन होंगी तो आपको करना क्या है, यहां पर एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि जब आपकी दो साइड्स बराबर हों किसी भी ट्रायंगल में, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि एंगल QPR विल बी इज इक्वल टू PRQ। क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, ओके। आपको यहां पर समझना है मैंने ये बातें यहां पर क्यों लिखी हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो बाद में आपके बहुत काम आती हैं। तो जो भी गिवन होता है पहले आप उसको यहां पर नोट कर ले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो ट्रायंगल्स देखने हैं जिसमें हम प्रूव कर सके कि LN जो है वो MN के बराबर हो सकती है, ओके। तो आपने देखा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ओके, और ये साइड आपको प्रूव करनी है इस साइड के बराबर है ना, तो एंगल आपके बराबर हैं। तो आपको यहां से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम यहां पर ले सकते हैं एंगल, एक तो ये वाला आपका, ठीक है, ये आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा एंगल हो जाएगा आपका पी एल एन, ओके। ये आपके दो ट्रायंगल हो जाएंगे, इसमें देखो आपका दोनों साइड आ रही है, एल एन भी आ रही है और एम एन भी आ रही है, और दो एंगल्स आपके बराबर भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले सकते हैं, ओके। तो आप यहां पर लिखेंगे, चलिए देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल पी एन एल एंड ट्रायंगल आर एन एम, ओके। आप देखिए पी एन एल और आर एन एम, आर एन एम दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब आपको क्या करना है, आई कैन राइट एंगल एल पी एन, एल पी एन, ठीक है, ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है, तो आप एंगल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, एंगल एम आर एन, ठीक है, मैंने लिख दिया एम आर एन, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। इसके बाद क्या कोई यहां पर कॉमन साइड है, नहीं है, तो आप नहीं लेंगे, ओके। और ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपका ये एंगल्स बराबर थे, ठीक है, सिंस यू नो क्यू पी आर वॉज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, इस वजह से हमने इसको लिखा है। इसके बाद यू नो दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये साइड्स आपके बराबर हैं, ओके, पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ पी क्यू, ठीक है, और यहां पर लिख सकता हूं हाफ ऑफ क्यू आर। देखिए इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हाफ और हाफ यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर क्यू आर ही आ जाएगा आपका। ये हमने लिखा क्यों है, यहां पर साइड को लिखने के लिए है ना। अब हाफ ऑफ पी क्यू क्या बनता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका आधा, इस पी क्यू का आधा बनता है आपका पी एल, है ना, हम ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका एल मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे ये वाली साइड पी एल। पी एल क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपका पी एल साइड आता है, तो यहां पर हम लिखेंगे पी एल, ओके। और हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर का हाफ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एम आपका मिड पॉइंट है, लेकिन हमें ये वाली साइड लेनी है, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपका एम आर आता है, ओके। तो एम आर साइड आपने ले लिया, और आपने यहां पर प्रूव कर दिया कि पी एल जो है वो एम आर के बराबर है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पी एन है ना, पी एन, पी एन जो है वो आपकी एन आर के बराबर है, क्योंकि एन आपका मिड पॉइंट है, ओके, एन आर के बराबर है, ठीक है, ये बेसिकली आपको गिवन था, तो आपने लिख दिया यहां पर गिवन। अब यहां पर आपको थोड़ा सा गौर करना है, एस ए एस जो आपका रूल था उससे दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। कैसे, एक आपका एंगल हो चुका है, ठीक है, एंगल ये आपकी साइड और ये आपकी साइड, तो एस ए एस ये बनता है, ओके। इसी तरीके से ये वाली आपकी साइड है, ये आपका एंगल है और ये आपकी साइड है, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं एस ए एस ये फॉर्म करता है, ओके, एस ए एस। तो हम यहां पर लिख देंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल यू कैन से ट्रायंगल पी एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एन एम।
और जैसे ही बच्चों ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आप सीपीसीटी से यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन दोनों ट्रायंगल्स के, वो भी बराबर होंगे, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या प्रूव करना था कि ये वाला जो साइड है ना, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो आप यहां पर लिखेंगे, यू कैन राइट, देयरफॉर यू कैन से ln इज इक्वल टू mn। कैसे हुआ? सीपीसीटी से, ओके। लेकिन इससे पहले आपने प्रूव किया कि भाई SASA ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना। आपने देखा कितना आसान था इसको सॉल्व करना। सिंपली जो जो आपको गिवन है वो आपको लिखना है, उसके बाद दो ट्रायंगल ऐसे ढूंढने हैं जिनमें आप पॉसिबल हो कि उन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ओके। तो जो बेसिकली आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने यहां पर इसको ड्रॉ कर लिया है, आपका ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि AB जो है वो BC के बराबर होगी और AB और BC दोनों AC के बराबर होंगी, है ना, यही तो इसका मतलब है। अब आपको प्रूव करना है मीडियंस जो है वो आपस में बराबर हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो मीडियंस में आपको बता दूं मीडियंस क्या होती है, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, एक लाइन यहां से चली इस वर्टेक्स से, ये जो सी है, सी वर्टेक्स है, यहां से आपकी लाइन चली और यहां पे जाके स्ट्राइक कर गई, ठीक है, एफ पॉइंट पर। तो इसका मतलब है ये इसको बाइसेक्ट करती है, ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा, ओके। इसी तरीके से बी जो वर्टेक्स है, ये लाइन जो है इस ई पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगी। इसी तरीके से ए से आपकी ये वाली लाइन यहां स्ट्राइक कर गई डी पॉइंट पर और इन दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ओके। तो ये आपकी बन जाती है मीडियन, और इन सभी मीडियंस को आपको प्रूव करना है कि ये आपस में बराबर हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढने हैं जिसमें आप प्रूव कर सको कि कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही आप क्या करोगे, जो मीडियंस हैं उनको भी आप कह सकते हो कि वो दोनों बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इनको प्रूव करोगे। तो हमने यहां पर वो दो ट्रायंगल लिए हैं, एक है आपका CBF और दूसरा है BCE। आप यहां पर देखें CBF, CBF और दूसरा है आपका BCE, BCE। अब देखो मैंने यही आपके दो ट्रायंगल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि जो BC है, BC जो आपकी यहां पर लाइन है ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। आप यहां पर ध्यान से देखें, मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ओके, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका F है और ये आपका E है और ये आपका B है। तो देखिए अब यहां पर इन दो ट्रायंगल्स में BCF या फिर हम कहें CBF, CBF ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है BCE, BCE। तो जो BC है वो आपकी कॉमन रहेगी दोनों ट्रायंगल्स में, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे आपका जो BC है, ओके, BC इज कॉमन, ओके, BC इज इक्वल टू BC, आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ये कॉमन होगा, है ना। इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो एंगल है आपका, इस एंगल में देखें CBF में, CBF अगर इसमें देखें ये एंगल आपका इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है ना। ये आपका 60 डिग्री होगा और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच, ओके। इसके बाद आप कह सकते हैं BF इज इक्वल टू EC। क्यों कहेंगे? आप देखें यहां पर ये जो आपका ये वाला साइड है BF, ये किसके बराबर है? EC के। ये क्यों होगा बराबर?
क्योंकि AB जो है वो किसके बराबर है, AC के। AB जो है वो आपकी AC के बराबर होगी, क्योंकि आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप यहां पर कह सकते हैं, अब AB का हाफ क्या होगा, ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं हाफ ऑफ AC। तो जो AB का हाफ होगा उसको हम बोल सकते हैं BF, और AC का हाफ ऑफ AC, AC का हाफ क्या होगा, EC। ओके, इस बात को हम यहां पर लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो आपने यहां पर देखा जो कॉमन थी वो क्या है, साइड है। ओके, और ये आपने एक ढूंढ लिया एंगल, ठीक है, और यहां पर एक आपको मिल गई साइड। तो इस तरीके से आपने बाई SAS रूल आपने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ यू कैन राइट बाई SAS, यू कैन से ट्रायंगल CBF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, यही तो होगा। ओके, देयरफॉर यू कैन से BE इज इक्वल टू CF। जो मीडियंस होंगी वो भी आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर देखें आप, ये जो आपकी लाइन है ये बेसिकली आपकी मीडियन है ना, ये वाली जो लाइन है BE, ठीक है, ये मीडियन है। तो यहां पर जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो इनकी मीडियन ये वाली होगी BE और FC, ठीक है, ये आपकी CPCT से बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से आपने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और विद द हेल्प ऑफ CPCT यू कैन से मीडियंस आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। बच्चों आपने यहां पर प्रूव कर दिया है कि मीडियंस आपस में बराबर हैं, लेकिन आपने यहां पर दो मीडियंस को प्रूव किया है, तीसरी को नहीं किया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरीके से, जिस मेथड को हमने यहां पर यूज किया है, अप्लाई किया है, उस तरीके से आप दूसरे दो एंगल्स ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें AD आती हो। तो यहां पर मैं आपको लेकर दिखा देता हूं दो ट्रायंगल कौन से होंगे। लेट से पहला वाला होगा, मैं यहां पर लेता हूं ADB, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं ADB। आपको ध्यान रखना है, ऐसा ट्रायंगल आपको लेना है जिसमें आपका AD जो साइड है वो आएगा ही आएगा, है ना। तो आपका एक ये हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका यू कैन से BEA। ओके, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ओके, आप यहां पर देखें, अब जो आपका AB साइड है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये आपका ट्रायंगल है, ओके, ABE, या फिर कह सकते हैं BEA, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। अब ADB कौन सा होगा, ये वाला ADB, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल की खास बात क्या है कि जो आपका AB है, ठीक है, AB जो साइड है, नीचे देखें, AB जो साइड है वो कॉमन है, ठीक है, और यहां पर AD भी आता है आपका। तो इस तरीके से इन द एंड आप यहां पर प्रूव कर देंगे कि जो AD है वो किसके बराबर है, BE के, ठीक है। और यहां पर आपने अभी अभी प्रूव किया है कि जो BE है वो CF के बराबर है, तो इसका मतलब है ये आपस में तीनों प्रूव हो जाएंगी कि तीनों मीडियन बराबर हैं। ओके, इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं, सिमिलरली यू कैन राइट AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, ओके, ABC, और यहां पर जो एंगल A है वो आपको गिवन है 120 डिग्री, ठीक है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है, गिवन है कि जो AB साइड है वो किसके बराबर है, AC के। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं
तो उनके एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके, यही तो हमने पढ़ा था। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इज इक्वल टू एसी, देयरफॉर यू कैन से एंगल बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहां पर आपने उन सभी बातों को लिख लिया है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओके। अब आपको समझना है ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ओके। नाउ यू कैन से एंगल ए 180 डिग्री, ओके। इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एंगल बी और एंगल सी आपका बराबर है, देखिए, है ना। यहां पर आपको गिवन था कि ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है, और आपका एंगल आपने किस कंडीशन से किया बराबर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं, एंगल बी और एंगल सी, तो हमने मान लिया ये आपका है एंगल एक्स डिग्री, तो ये भी आपका एक्स डिग्री होगा, ओके। तो एंगल ए आपका है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ओके। और यहां पर लिखेंगे एक्स, और यहां पर भी लिखेंगे एक्स, क्योंकि आपका बी और सी बराबर है, हमने नाम दे दिया एक्स, तो यहां पर आप उसको एक्स लिखेंगे 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ओके। तो ये आपका आ जाएगा यहां से 60 डिग्री, और अब आप यहां पर फाइंड कर लेंगे x का वैल्यू, ओके, यू विल गेट 30 डिग्री, है ना। तो इस x का वैल्यू होगा 30 डिग्री, ओके। अब आप यहां पर ऐड करके देख लीजिए तीनों एंगल्स को, ओके, ये आपका 180 डिग्री के बराबर ही आएगा, है ना, 180 डिग्री। दैट मीन्स अब आपने फाइंड कर लिया कि x का वैल्यू क्या होगा, है ना, एंगल B और एंगल C क्या होगा। तो आप यहां पर लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट मीन्स 30 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। इन ट्रायंगल ABC, इफ AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल A। देखिए ये आपका ट्रायंगल है ABC, ओके, आपको गिवन क्या है, जो AB साइड है वो AC के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल B एंगल C के बराबर होगा, ओके। इसके बाद एंगल B का वैल्यू आपको गिवन है, इसका वैल्यू है 70 डिग्री, तो इसका मतलब है एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल आपके बराबर हैं। आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसका सिंपल सा मतलब है जब दो साइड बराबर हैं ट्रायंगल के अंदर तो एंगल भी बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है। और बी का वैल्यू आपको 70 डिग्री गिवन है, इसका मतलब है एंगल सी का वैल्यू भी 70 डिग्री हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको निकालना है एंगल ए का वैल्यू। तो चलिए वंस अगेन यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो होगा, ओके। एंगल ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो एंगल ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, 180 माइनस एंगल बी का वैल्यू कितना है, देखिए आप यहां पर 70 डिग्री है, 70 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू आपने यहां से फाइंड कर लिया 70 डिग्री होगा, दैट मीन्स 70 प्लस 70 140, ये आपका यहां पर चला जाएगा, दैट मीन्स आप माइनस कर देंगे 140, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 40 डिग्री। इसका सिंपल सा मतलब है एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, कितना आसान था। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए।